प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे, आपके पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रहा होगा। हम बात कर रहे हैं आज लंगड़ा भीन, जिसको सतत भीन के नाम से भी जानते हैं, और हम बेसिक कंसेप्ट की बात नहीं करने वाले हैं आज, इसको सिंपल मेथड की बात करने वाले हैं, हर एक तरह का क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। अतः अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलो जैसे अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, अगर वन प्लस इस ढंग का क्वेश्चन हो तो कैसे हल करते हैं? बेसिक तो आप जानते ही हैं, हम यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं इसको बनाने का तरीका, आपको क्या होना चाहिए, क्या है अंतिम में 2/3, आप लिख दीजिए 2/3 ऐसे लिखिए। अब देखिए 1+1+1+1+1+1 कै गो है, तो कहोगे 1 2 3 4 5 गो है, तो 1 2 3 4 5 बूंदा आप लगा दीजिए। करना क्या है आपको, प्लस है तो प्लस कर देना है, माइनस है तो माइनस कर देना है। क्या करना है, यहां से यहां पे प्लस करना है, 3+2 कितना होगा 5, 5+3 कितना होगा 8, 8+3 कितना होगा 13, 13+8 कितना होगा 21, 21+13 कितना होगा 34, यानी आपका इस भिन्न का जो उत्तर होगा वो होगा 34/21, यही आपका आंसर होगा। यानी इसको आप बेसिक तरीका से आप हल करेंगे तो आपको आएगा 34/21। रुक जाइएगा, जाइएगा मत, क्योंकि हर एक तरह का क्वेश्चन करेंगे, कहीं कहीं आपको 2+ रह सकता है, 7+ रह सकता है, कहीं कहीं आपको माइनस भी रह सकता है, सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं आपको। यहां पे गौर से देखिए, बिल्कुल आपका सेम क्वेश्चन है नहीं, यहां से यहां तक की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं यही बात तो हम पढ़ रहे थे अभी, है ना। x का मान इतना दे रखा है तो 2x+7/4 का मान क्या होगा, तो करना क्या है, शुरुआत हमें नीचे से करना, कितना है 1/2, चलिए शुरू हो जाइए 1/2, 1 2 कैसे लिख देंगे, के गो है प्लस 1+1+2+3 4 गो है, तो 4 बूंदा, 1 2 3 4 बूंदा, बस हल कर दीजिए। हल क्या करना, ऐसे 2 1 3, प्लस है तो प्लस कर रहे हैं, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13। अब आप ही बताओ कि आपका आंसर इसका क्या होने वाला है, तो कहोगे भाट नहीं देते हैं तो कहोगे 13/8 होने वाला है, क्या कहोगे 13/8 होने वाला है। नहीं, हमने बताया कि E/E ऐसे प्रश्न का उत्तर होता है 13/8, लेकिन यह वाला मान किसका दिया हुआ था, x का, किसका मान दिया हुआ था x का, तो हम कह सकते हैं कि x का मान आ गया 13/8, x का मान भैया यहां पे आ गया 13/8, लेकिन हमें मान निकालना था इतना का, इतना का, क्लियर है, तो x का स्थान पे 13/8 रख दो, तो कहोगे 2 × x, x का मतलब हो गया 13/8, क्लियर है। अब प्लस में हो गया कितना 7/4, अब इसको काटोगे तो आ जाएगा 13/7 20/4, अब इसको हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5, क्लियर है। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे, लेकिन जाइएगा मत, अभी देखिए, देखना बाकी है, है ना, माइनस वाला भी देखेंगे आगे। यहां पे गौर अगर करें हम तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन लेकिन पहले वाला प्रश्न में यहां पे एक हुआ करता था, यहां पे एक हुआ करता था, लेकिन यहां पे आपको दे रखा है 3 1 2, यहां पे गौर करो, यहां पे 1 1 1 1 रहा करता था, लेकिन अब यहां पे दे रखा है 3 1 2, कोई दिक्कत नहीं, मेरा बनाने का तरीका में कहीं कोई चेंजिंग नहीं होगा, नीचे से ही हम शुरुआत करेंगे, कितना है 1/5, चलो भैया 1/5 को लिख दो। अब यहां पे बूंदा आप लगाते थे नहीं, 1 2 3 बूंदा था तो 3 बूंदा देते थे, लेकिन अब की बार बूंदा नहीं देंगे, एक के अलावा को दूसरा टर्म हो तो उसी को लिख देना, कितना है 2, तो 2 को ही लिख देना, क्लियर है। कितना है 1 1 को ही लिख देना, कितना है 3, तो 3 को ही लिख देना, हाँ 1 के बदले आप बूंदा दे सकते हो, क्यों देता था सारी बात आप समझ में आएगा, प्लस है तो प्लस करना है, लेकिन पहले हम क्या करते थे 5 1 6 यहां पे लिख दिया करते थे, अब वैसे नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एक रहता था तब ये दोनों को जोड़ते थे, अब कि हम इसमें गुना करके, है ना, इससे इसमें गुना करके जोड़ना है, 5 × 2 = 10, 1 कितना हो जाएगा 11, फिर 11 × 1 = 11, 5 कितना हो जाएगा 16, और फिर होगा 16 × 3, 16 × 3 = 48 / 11, अगर 48 / 11 करोगे तो आपका आ जाएगा 59, कितना आ जाएगा 59। अब यहां पर देखो आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया, कितना आ जाएगा 59/16 आपका प्रश्न का जवाब होगा, 59/16, क्लियर है भाई, यहां तक इन्हीं को दिक्कत, हम यहां पे भी वही काम करते थे, यहां पे भी हम वही काम करते थे, गौर से इसको हम समझाने का एक बार आपको हम प्रयास करते हैं, पुनः एक बार पुनः समझाने का प्रयास करते हैं, किए क्या थे हम, यहां पे 1 1 1 था तो हम बूंदा दिए थे, बूंदा दिए थे, हम 1 लिखे होते तो प्रक्रिया क्या होता, ये दोनों में गुना करते, 2 × 2 = 3, फिर 3 × 3 = 5, यानी 1 से गुना करने पर वही टर्म रह जाता, इसलिए 1 1 1 न लिखकर मैंने बूंदा बूंदा दिया था, लेकिन 1 के अलावा कोई दूसरा टर्म था तो हमको लिखकर गुना करना पड़ेगा, क्योंकि मान बदलेगा ना, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, है ना, 10 × 1 = 11 लिखेंगे, अब 1 था तो यहां पे बूंदा देते तो काम चल जाता, क्योंकि गुना करने का आवश्यकता नहीं था, 11 में 1 से गुना करेंगे 11 ही रहने वाला है, तो 11 × 5 = 16, लेकिन 1 के अलावा टर्म था 3, तो 16 = 48,
45 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है? हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। अब की बार यहां पे माइनस 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 दिया हुआ है, कुछ नहीं, नीचे से शुरुआत करिए ना आप। क्या लिखिएगा? दो, और क्या लिखिएगा? तीन। उसके बाद एक लिखिए या बूंदा डालिए, एक दो तीन चार गो है तो एक दो तीन चार बूंदा डालिए या चार गो एक डालिए, आपकी मर्जी। अब क्योंकि आप सीख चुके हैं करना क्या है, माइनस है तो माइनस करना है। इसको में से माइनस करिए, तीन में से दो गया कितना आया एक, एक में से तीन गया कितना आएगा माइनस टू, माइनस दो में से माइनस एक गया कितना आ जाएगा माइनस तीन, माइनस तीन में से माइनस दो जाएगा कितना आएगा माइनस एक आएगा। आपका प्रश्न का जवाब क्या होगा भैया? तो ई बट्टा ई होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा माइनस एक बट्टा माइनस तीन। काट कुट करिएगा माइनस माइनस तो आ जाएगा एक बट्टा तीन। आपका प्रश्न का जवाब कितना होगा? एक बट्टा तीन। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, है ना, अंत तक आप देखिएगा जरूर, क्योंकि हम हर एक तरह का क्वेश्चन यहां पे हम करने वाले हैं। अगर यहां पे गौर से देखा जाए तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक भिन्न वही था जो पैटर्न को आपको मैंने समझाया था। यहां से आप शुरुआत करोगे कितना है, एक बटा चार है, तो क्या लिखोगे? एक चार नहीं, उसके बाद दो तीन एक है तो हम दो तीन एक ही लिख देंगे, दो तीन एक लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक रहता तो एक से गुना करने पर कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन यहां पे दो है तो दो से गुना होने पे अंतर पड़ जाता है, अतः दो तीन एक मैंने लिख दिया। अब करना क्या है आपको पता है, है ना, इससे इसमें गुना करके जोड़ना है, प्लस 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 है तो जोड़ना है, यहीं तक कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसको हम बाद में करेंगे। तो चार दुनी आठ है कितना हो जाएगा नौ, इसको गुना करो तो नौतिया सत्ताईस, चार कितना हो जाएगा इकतीस, इकतीस में एक से गुना करोगे तो इकतीस रह जाएगा, इकतीस नौ कितना हो जाएगा चालीस, यानी आपका उत्तर हो जाएगा चालीस बटा इकतीस, चालीस बटा इकतीस। मैंने बताया कि ई बटा ई आपका आंसर होता है, यानी चालीस बटा इकतीस इसका उत्तर आया, इसका उत्तर आया चालीस बटा इकतीस। लेकिन आपको मान किसका निकालना है? पूरा का निकालना है, पूरा का। तो पूरा क्या है? तो कहोगे चार माइनस पांच बटा इतना है, इतना का मान आपने निकाला चालीस बटा इकतीस, चालीस बटा इकतीस, तो इतना बटा क्या हो जाएगा चालीस बटा इकतीस। लेकिन इकतीस कहां चला जाएगा? ऊपर, तो इकतीस को ऊपर कर दो, इकतीस को ऊपर कर दोगे नीचे से इकतीस को हटा दो। क्लियर है भाई? अब इसको अगर हल आप करिएगा तो हो जाएगा 160 माइनस 155 बटा 40, आपका उत्तर आएगा 5 बटा 40, काटिएगा तो 1 बटा 8 नहीं, 8 पच्चे 40 कट जाएगा ना, यानी इस क्वेश्चन का हम इस ढंग से सॉल्व कर लेंगे। अगर हम छठा नंबर क्वेश्चन की बात करें तो गौर से देखिए, थोड़ा सा यहां पे अगर ध्यान देते हैं आप तो अभी तक बना रहे थे इतना का मान, है ना, तीन माइनस दो माइनस या एक माइनस कुछ भी, इतना का हल करना आप सीख चुके हैं। तो पहले इतना ही का ही हल करिए, शुरुआत हमको यहां से करना है। क्या है भैया? एक बटा सात है तो लिख देंगे एक सात। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़िए, उसके बाद क्या है? दो तो दो डाल दीजिए, उसके बाद क्या है? तीन तो तीन डाल दीजिए, एक रहता एक डाल देते, है ना, प्रक्रिया आप जैसे अपनाना चाहें। अब क्या करना है? गुना करके, है ना, माइनस है तो माइनस करना है। तो चौदह चौदह, सात दुनी चौदह में से एक गया कितना बच गया तेरह, फिर गुना करो, तेरतिया उनचालीस, उनचालीस में से सात गया कितना बचेगा बत्तीस, आ रहा है, तेरतिया उनचालीस, उनचालीस में से सात घटाओ कितना आ जाएगा बत्तीस। तो आपका प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो बत्तीस बटा तेरह होगा। क्या होगा भैया? बत्तीस बटा तेरह होगा। अब आप ही बताओ किसका उत्तर आया बत्तीस बटा तेरह, तो कहोगे इसका उत्तर आया बत्तीस बटा तेरह, इसका उत्तर आया बत्तीस बटा तेरह। आपका मान किसका निकालना है? तो आपका मान निकालना है एक बटा इतना का, इतना का मान आया है बत्तीस बटा तेरह, है ना, तो 32 बटा 13, 13 कहां चला जाएगा? ऊपर, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 13 बटा 32। क्लियर है भाई? आई बात समझ में? यानी एक कंसेप्ट अगर आप सीख गए हैं तो कोई भी लंगड़ा भिन्न को आप चुटकी बजाते हल कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बस इस तरह का वीडियो हम अक्सर देते रहते हैं, क्लास तो आपका यूट्यूब पर चल ही रहा है। तो दोस्तों हमें दीजिए विदा, मिलते हैं कल इसी तरह का शॉर्ट वीडियो के साथ। जब तक खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय बाय।